हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है भेल पूरी। तो उसके लिए हमें चाहिए मुरमुरे 100 ग्राम, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, एक कटोरी नवरत्न नमकीन और थोड़ा सा धनिया, चार कटी हुई हरी मिर्च और एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, एक नींबू का रस और थोड़ा सा सॉस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने जो मुरमे हैं उन्हें रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे इन्हें, तेज आंच पर नहीं करना, नहीं तो जल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जिसने भी मेरे वीडियो को सबसे पहले वाली वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स किए हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो मुरमुरे हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। सिर्फ हमें ज्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट ही रोस्ट करना है, नहीं तो ये खराब हो सकते हैं। तो चलिए, अब इन्हें हमें गैस से उतार लेंगे। हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने इन्हें अब एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। फिर सेकंड हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। फिर हम ये अपनी नमकीन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने तो नवरत्न नमकीन मिलाई है इसमें, पर आपके घर जो भी नमकीन है, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, जिसका भी जो आप खाते हो वो उसमें ऐड कर सकते हो। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें। अब हमने ऐड किया है इसमें लेमन का जूस, जो हमने एक नींबू का रस लिया था। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे कि थोड़ा सा चटपटा सा और थोड़ा टेस्टी खट्टा खट्टा सा हो जाए। और फिर हमने इसमें सॉस ऐड किया है, जिससे खाने में और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा सारा मीट मिक्स हो चुकी है। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप अपने घर में जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगी है। चलो गाइस, तो हमारी रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अब हमने इसको सर्व कर दिया है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।